लेके आता है नई पॉसिबिलिटीज़। इसीलिए तो हम न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाते हैं हर साल, बट कई रेजोल्यूशंस ऐसे होते हैं जो हम फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं, जस्ट हमारी किताब में या हमारे दिमाग में ही रह जाते हैं। आपका इस साल का न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है, ज़रूर कॉमेंट करके बताना। मेरा इस साल का रेजोल्यूशन है टू वर्क स्मार्टली, एफिशिएंटली एंड सेव टाइम, जो कि मैं अपने ऊपर डिवोट कर पाऊँ। इसी के साथ आज के वीडियो में मैं आपके पास लेके आई हूँ 4 जीनियस किचन टिप्स एंड होम हैक्स, जो हमारे इस होम मेकिंग प्रोसेस को स्मार्टली ऑर्गेनाइज करने में हमारी हेल्प करने वाले हैं और टाइम भी सेव करने वाले हैं। नए साल की सबको बहुत शुभकामनाएं। नया साल आपके लिए बिग अपॉर्चुनिटी से भरा हो, आपका जीवन और हेल्दी हो, आपकी फैमिली और हैप्पी हो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रति स्वागत करती हूं आपका होम ट्वीक चैनल पे, जहां हम बात करते हैं घर और किचन से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स की, होम हैक्स की, जो हमारा रोज़मर्रा का काम आसान करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज की वीडियो से रिलेटेड आप अपने घर में क्या अपनाते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, नोटिफिकेशन बेल बटन है सब्सक्राइब बटन के साथ उसको क्लिक ज़रूर करना, ऑल नोटिफिकेशन उसमें क्लिक कर लो। इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं कर रहे हो, देन यू आर मिसिंग आउट ऑन सम ऑसम कॉन्टेंट, डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। चलिए देख लेते हैं अपने 4 स्मार्ट एंड जीनियस किचन टिप्स एंड होम हैक्स, एंड एक टिप आपको एडिशनल में देने वाली हूँ एज अ बोनस। अगर मैं आपको बोलूँ आपके कॉपर और तांबे के बर्तन बिना घिसे भी नए जैसे चमक सकते हैं, आप मानोगे? कॉपर के बर्तन और ब्रास के बर्तन हम सबके घरों में होते हैं, चाहे वो पूजा में यूज़ हो या कुकिंग में यूज़ हो, हम सबके घरों में कहीं ना कहीं होते ही हैं, चाहे हमारे पास तांबे का जग हो या फिर एक पतीला हो, ऐसी चीज़ें हमारे घर में होते ही हैं, और इनको साफ़ करना हमारे लिए सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, बिकॉज़ इनको हमें अच्छे से घिसना पड़ता है। कॉपर और ब्रास के बर्तनों को साफ़ करने के लिए अनगिनत तरीके हैं। कोई लेमन का छिलका यूज़ करता है, कोई पीतांबरी पाउडर यूज़ करता है, एक मैंने आपके साथ YouTube शॉर्ट्स में तरीका ऑलरेडी शेयर किया है, जिसमें आप विद इन सेकेंड्स अपने कॉपर और ब्रास के बर्तनों को बिना घिसे चमका सकते हैं एकदम नया जैसा। अगर आपने वो यूट्यूब शॉर्ट नहीं देखा है, आई बटन में ज़रूर चेक करना। पीतांबरी पाउडर का मेरे पास यहाँ पे एक अल्टरनेटिव है, रिफ्लेक्ट करके ये आता है, डी मार्ट में मिलता है, एंड ये भी पीतांबरी की तरह ही वर्क करता है, बट इसमें भी घिसना बर्तन को इन्वॉल्व होता है। नहीं नहीं, आज हम पीतांबरी से कुछ भी घिसने वाले नहीं हैं, हम स्मार्टली वर्क करने वाले हैं और अपने कॉपर और ब्रास के बर्तन साफ़ करने वाले हैं। इसके लिए मैंने ले लिया एक ग्लास कंटेनर, किसी भी टाइप का कंटेनर ले लो। इसमें मैंने डाल दिया है वाइट रॉक सॉल्ट, आप नॉर्मल टेबल सॉल्ट भी डाल सकते हो, और इसके अंदर मैं सेम क्वांटिटी में ऐड कर रही हूँ सिट्रिक एसिड। दोनों की ही क्वांटिटी मैंने 1 टेबलस्पून ली है, इसको थोड़ा सा मैं फाइन पाउडर में कर रही हूँ, एंड इसके बाद मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ वाटर। पानी आप इसमें एक चाय का कप ऐड कीजिए और उसको अच्छे से घोल लीजिए। अभी तो ये पूरा सॉल्यूशन अच्छे से घुला भी नहीं है, और मेरे हाथ में जो मेजरिंग स्पून है स्टेनलेस स्टील की, अब आप उसका बिफोर एंड आफ्टर देखो। जिसमें आपको मेरी शक्ल दिख रही है ना, वो वाली टेबल स्पून जो थी वो इस सॉल्यूशन में गई थी, और बाकी का आप चेहरा देखो और उस टेबल स्पून का चेहरा देखो, है ना? इससे आप अपने स्टील के बर्तन भी अच्छे से चमका सकते हो। कॉपर का कॉइन इस सॉल्यूशन से साफ़ करना चुटकियों का काम है। बिफ़ोर और आफ्टर आप देख सकते हो, बिना घिसे ये रिजल्ट्स मुझे मिले हैं। पहला वाला जो मैंने आपको सॉल्यूशन बताया था जो यूट्यूब शॉर्ट्स में था, उसमें फिर भी आपको पेस्ट लगानी पड़ती थी, बट यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आपका बर्तन बहुत ज़्यादा गंदा है, जैसा कि आप ये देख रहे हो, इसको आप रात भर भी इस सॉल्यूशन में रख सकते हो, और इस तरीके का आपको फिर रिज़ल्ट मिलेगा। ये मेरा मिड टाइम में रिज़ल्ट था, और अब आपको मैं नेक्स्ट डे का रिज़ल्ट दिखाती हूँ क्या मिलता है। बिफ़ोर और आफ्टर एब्सोल्युटली आपके सामने क्लियर है कैसा होगा, और ये फुल नाइट के बाद इस तरीके का रिज़ल्ट था। इतना ज़्यादा साफ तो यार पीतांबरी से, टैमरिंड से, इमली जो होती है उससे घिसने पे भी मुझे इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले जो रिज़ल्ट मुझे इस सॉल्यूशन से मिलता है। सो आई थॉट मैं आपके साथ क्यों ना शेयर करूँ ये सीक्रेट, थोड़ा आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। हमारा सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है जब हमें बर्तन घिसने पड़ जाते हैं, और अगर बिना घिसे बर्तन साफ़ हो जाए ना, उससे ज़्यादा बड़ी मैजिकल चीज़ हमारी होम मेकिंग जर्नी में नहीं हो सकती। यहाँ पे आप बिफ़ोर और आफ्टर इसका पीछे जाके वीडियो देखो ज़रा, ये पूरा काला हुआ पड़ा था, किस तरीके से ये चमक गया है नए जैसा। और ये इसका नीचे का बर्तन जहाँ कैंडल रखते हैं, ग्रीन ग्रीन जो आपको दिख रहा है वो वैक्स है, वो तो मुझे रगड़नी ही पड़ेगी, वैक्स ऐसे नहीं छूट रही है। इसमें मैं कैम्फर और दिया जलाती हूँ पानी के साथ, और कितना सुंदर ये निकल के आ गया, बिल्कुल नया जैसे शाइन मार रहा होता है,
इस तरीके की शाइन मुझे किसी भी चीज़ से अभी तक घर पे नहीं मिली है। थम्स अप फॉर दैट, लाइक ज़रूर कर देना। और हाँ, इसका रिमेनिंग पानी जो है वो आपने फेंकना नहीं है, उससे आप अपने स्टील के बर्तन साफ़ कर सकते हो, या फिर आपके पास घर में कोई और कांच का बर्तन है आप वो भी साफ़ कर सकते हो, चमक के बाहर निकलेगा लश्कारे मारता हुआ। नेक्स्ट ट्रिक है हमारी ट्रैश बैग्स की। एक ट्रिक मैंने ऐसी आपके साथ अपनी लास्ट वीडियो में भी शेयर की थी, आप अपने ट्रैश बैग्स कैसे स्टोर करते हैं। मैं आपको एक स्मार्ट तरीका बताने वाली हूँ जिससे आपका टाइम कंज्यूम बहुत कम होगा, आप स्मार्ट वर्क करोगे। सबसे पहला तरीका है कि आप इस तरीके के हैंगर पे अपने ट्रैश बैग्स टांग दीजिए। दिन में मोस्ट प्रोबेबली हमारा एक ही ट्रैश बैग लगता है। इस तरीके से ट्रैश बैग निकालना, ग्रैब करना इजी है। बाकी ट्रैश बैग्स ऐसे ट्रिक से नीचे नहीं आएंगे, आप बहुत इजीली अपना ट्रैश बैग निकाल लोगे। बट मेरे यहाँ पे प्रॉब्लम है हवा की, सो इसी के लिए मैं यहाँ पे बैम्बू क्लॉथ क्लिप यूज़ कर रही हूँ। इसके साथ आयरन या स्टील के क्लॉथ क्लिप्स यूज़ मत करना, बिकॉज ट्रैश बैग्स थोड़े पतले होते हैं तो वो फट सकते हैं। इसलिए मैं बैम्बू क्लिप यूज़ कर रही हूँ जो कि उसको जकड़ के रखते हैं और ट्रैश बैग्स हवा से उड़ते नहीं हैं, नहीं तो वो नीचे गिर जाते हैं मेरी किचन में एटलीस्ट। अभी कमेंट करके बताओ आपको ये DIY टिश्यू बॉक्स होल्डर याद है कि नहीं है, जो मैंने आपके साथ वीडियो में शेयर किया था, जो आपको बहुत पसंद आया था। इसी की सेम टर्म्स में आज हम बनाने वाले हैं ट्रैश बैग के लिए DIY मैग्नेटिक बॉक्स, जो कि हम फ्रिज पे टांग देंगे। सो ऊपर वाला जो बॉक्स है वो मैंने नया बनाया, और जो रेड वाला आप नीचे बॉक्स देख रहे हो जिसमें कि ऑलरेडी ट्रैश बैग्स हैं, वो था वही वाला बॉक्स जो कि मेरी पहली वीडियो से ख़त्म हुआ था यूज़ होके। सो इसकी भी बिल्कुल सेम ट्रिक है, अंदर और बाहर मैं मैग्नेट्स लगा रही हूँ। बाहर की साइड मैग्नेट लगा रही हूँ, और अंदर की साइड अगर आपके पास कोई भी आयरन का पीस नहीं है तो आप कॉइन्स भी यूज़ कर सकते हो, हमारे जो इंडियन रुपी कॉइन्स होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हो, और उस तरीके से आपके मैग्नेट्स इन प्लेस रहेंगे। और सेम तरीके से आपको इसके बाद इसको अपने फ्रिज पर लगा देना है। मैंने आपको पहले बताया था ना कि इस बारी हम इस वीडियो में स्मार्ट एंड जीनियस होम हैक्स की बात करने वाले हैं। इस ट्रिक से आपके ट्रैश बैग आपके सामने रहेंगे, मिट्टी नहीं पकड़ेंगे, आपको जब चाहिए आप ट्रैश बैग अपना ग्रैब कर सकते हो ईजली, हर किसी के सामने रोलते नहीं रहेंगे, दिखेंगे नहीं। और जो इस तरीके से आप डिस्प्ले कर रहे हो ना, दूसरा बंदा भी आके एक बारी देखेगा यार ये चीज़ है क्या। अगली जो टिप एंड ट्रिक है वो हमारी किचन से रिलेटेड है। सब्जियाँ हम सभी के घरों में आती हैं, और कुछ सब्जियाँ ऐसी होती है जैसे अदरक हो गया, एप्पल्स हो गए, वो इस तरीके के प्लास्टिक मेश बैग्स में आती हैं। आप इन मेश बैग्स का क्या करते हो, आई एम श्योर आप भी फेंक देते होगे जैसे पहले मैं फेंक देती थी। बट मैंने अब ये इतने सारे स्टोर करके रख लिए हैं। अब आप सोच रहे हो ये इतने सारे स्टोर करके रखे क्यों हैं, इनका क्या काम करोगे आप, दिस इज़ जस्ट अ वेस्ट, अ जंक जो आप स्टोर कर रहे हो। बिल्कुल भी नहीं, ये वाले मेश बैग्स बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं और आपके घर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। इन सब मेश बैग्स को एक के अंदर एक डाल के एक आप बॉल जैसा बना लीजिए, जैसे कि आप अभी वीडियो में देख रहे हैं। इस प्लास्टिक बॉल को देख के आपको कुछ याद आ रहा है? जी, जो हम प्लास्टिक का जूना जैसे यूज़ करते थे ना, सेम ये वैसा ही जूना काम करता है। ये आपका जूने का ही काम करेगा, चाहे स्टील के बर्तन धो, चाहे ग्लास के बर्तन धो, चाहे रगड़ने का काम करो, आपके ग्लास के बर्तनों पे कोई स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे, आपके स्टील के बर्तनों पे घिसने के निशान नहीं पड़ेंगे जो कि स्टील वूल से मोस्टली पड़ जाते हैं, या फिर स्कॉच ब्राइट से हम जब ज़्यादा घिस देते हैं उससे पड़ जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे कि आपका स्टील वूल या स्कॉच ब्राइट काम करता होगा। तो इससे आप दो चीज़ें सेव कर रहे हो, जो कि है पैसे स्पेंड करना स्टील वूल पे और स्कॉच ब्राइट पे अलग अलग, बट ये जो चीज़ है ये आपके सब्जियों के साथ फ्री ही आ रही है, और इसका आप नो कॉस्ट DIY यूज़ कर रहे हो अपने ही किचन में। साथ ही साथ ये पानी अंदर अपने में रोक के नहीं रखता है, इजी टू वॉश है और जल्दी ड्राई भी हो जाते हैं, अंदर अपने गंदगी स्टोर करके नहीं रखता, और जब गंदा ख़राब हो जाए फेंक के नया बना लो। नो कॉस्ट है, ज़ीरो कॉस्ट है, आपके किचन का काम भी हो गया और आपके पैसे भी सेव हो गए। सेलिब्रेशंस फेस्टिवल्स तो अब सब खत्म हो गए, नया ईयर आ ही गया है। आप भी अपनी फेरी लाइट्स किसी डब्बे में ही स्टोर करके रखते होंगे गोल गोल करके, जैसे कि मैंने रखे हुए हैं। बट यार ये गोल गोल करने का तरीका ना स्मार्ट तरीका नहीं है। जब इनको लगाने का टाइम आता है तो सबसे पहले आपको टाइम स्पेंड करना पड़ता है इनको अनटैंगल करने के लिए, इनको सुलझाने के लिए। मैं अमूल का डब्बा यूज़ करती हूँ, और जो ये डब्बे आप देख रहे हो ये भी अमूल के ही डब्बे हैं जिन पर मैंने ग्लिटर टेप लगा दी है। आज हम स्मार्ट हैक यूज़ करेंगे जिसमें हम यूज़ करेंगे कार्डबोर्ड, और उसमें हम इस तरीके के zigzag patterns ड्रॉ कर देंगे। और इसके
उसके बाद अब हम इसमें लगाएंगे अपनी फेरी लाइट। अब ये देखो मैं फेरी लाइट निकाल तो रही हूँ, स्ट्रिंग लाइट निकाल रही हूँ, देखो गुच्छा बना पड़ा है जबकि मैंने सब कुछ रोल करके रखा है। तो फेरी लाइट को हम इस तरीके से इस कार्ड बॉक्स में जिगजैग करते हुए पूरा रोल कर लेंगे, और जब इसको लगाने का टाइम आएगा ना, आपको पहले इसको सुलझाना नहीं पड़ेगा, स्मार्टली आप इसको अनरैप करके आपने जिस भी जगह इसको डेकोरेट करना है आप कर सकते हो। इसमें आपका टाइम भी सेव होने वाला है, एनर्जी सेव होने वाली है, एंड आपका ये स्मार्ट होम हैक भी हो गया, जिससे कि आपकी जो फेरी लाइट है हर जगह रुलेगी नहीं, दूसरी फेरी लाइट्स और स्ट्रिंग लाइट्स के साथ मिक्सअप एंड गुत्थम गुत्था नहीं हो जाएगी उनकी, बेसिकली उनकी अपनी लड़ाई नहीं होगी, वो लोग अपना सुलझ के बैठेंगे। फेरी लाइट्स के डब्बे को मैंने इस तरीके से डेकोरेट कर दिया, तो इसको मैं आगे डिस्प्ले पे भी रख सकती हूँ, इसको मैं फ्रिज पे रखती हूँ सो दैट मुझे याद रहे कि मेरी फेरी लाइट्स यहाँ पे, अदरवाइज मैं हमेशा भूल जाती हूँ जब टाइम आता है कि मेरी फेरी लाइट्स है कहाँ। सो इस तरीके के बॉक्सेस को जब मैंने डेकोरेट कर दिया, इनको ईजिली मैं अपने फ्रिज पे प्लेस कर सकती हूँ और देखने में भी अच्छे लगते हैं। 22 जीनियस होम हैक्स जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, जो वीडियो मेरे चैनल पे वायरल हो चुकी है, तो उस वीडियो में मैंने आपके साथ ऑल आउट का, गुड नाइट का बेसिकली एक हैक शेयर किया था जो आपको बहुत पसंद आया था, कपूरदानी बनाने का। आज ही मैं उसका एक ऑल्टरनेटिव लेके आई हूँ, जिसमें कि आप इस तरीके की आजकल न्यू मशीन्स आ रही हैं ऑल आउट की, तो आप करो क्या, उसमें आप इस तरीके की एक कील डाल दो, इसके साथ मैं इसके ऊपर एक कॉइन यूज़ कर रही हूँ, ये 1 रुपी का छोटा वाला कॉइन जो आता है, ये वो वाला कॉइन है जो न्यू कॉइन होता है। अब इसको मैंने ऊपर तो रख दिया और इसकी जो टेम्परेचर है मैंने हाई पे रख दी है। कॉइन के ऊपर मैंने 4 कपूर की गोलियाँ रख दी हैं, ये अभी दोपहर का टाइम है, 12 बज रहे हैं। अब मैं आपको इसको नेक्स्ट डे दिखाती हूँ, ये कपूर की गोलियाँ फुल डे चलने वाली हैं, इवन रात को भी चलने वाली हैं। कपूर की गोलियाँ आजकल हम ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने घर में एज अ रूम फ्रेशनर, और कपूरदानी भी आप खरीद सकते हो, बट अगर आप नहीं खरीदना चाहते हो तो ये उसका बहुत अच्छा बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, बिना एक्स्ट्रा पैसे स्पेंड किए एक हल्का सा DIY करना है। ये आप नेक्स्ट डे देखो, यहाँ पे कोई भी रेजिड्यू नहीं बचा है कपूर की गोलियों का। इसकी प्लेस मैंने बेडरूम में चेंज कर दी थी, पहले ड्राइंग रूम में था, रात को मैं बेडरूम में ले आई। बट अगर आपके पास इस तरीके की मशीन नहीं है, और ये गुड नाइट की जैसी ऐसी मशीन जो मैं आपको दिखा रही हूँ ऐसी वाली मशीन है, उसके लिए आप कपूरदानी कैसे बना सकते हो, दोनों का तरीका अलग है। वाइट वाली जो ऑल आउट मशीन थी उस पर कॉइन प्लेस करना ईजी था, बट इस गुड नाइट मशीन पर नहीं। तो सबसे पहले मैंने इसका टेम्परेचर फुल पे सेट कर दिया, ये सब आप जब काम कर रहे हो तो स्विच बंद करके करना। इसमें भी मैं एक कील डाल रही हूँ, अब आप ये कील देख रहे हो बिल्कुल अंदर जा चुकी है। सो इस वाली जो कपूरदानी, सो इसको मैं कपूरदानी बोलूँगी एक्चुअली, इसमें मैं सिर्फ एक ही कपूर की गोली डाल सकती हूँ, ज़्यादा नहीं डाल सकती हूँ, बिकॉज जो हमारी कील का सर्कमफ्रेंस है वो छोटा है और वो अंदर चली गई है। अगर अंदर कपूर की गोली भी चली जाती है वो उसका भी कोई रेजिड्यू बचेगा नहीं। सो डरना मत कि आपकी गुड नाइट की मशीन ख़राब हो जाएगी, इससे आपकी कोई गुड नाइट की मशीन ख़राब नहीं होगी, बिकॉज कपूर की गोली इवेपोरेट हो जाती है, पूरी ख़त्म हो जाती है बिना रेजिड्यू छोड़े। कपूर के फायदे बहुत सारे होते हैं, आप इसको रूम फ्रेशनर की तरह यूज़ कर सकते हैं, मॉस्किटो रेपेलेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं। आपके घर की हवा शुद्ध करने के साथ साथ कपूर आपके घर से नेगेटिव एनर्जीज भी रिमूव करता है, इवन ये आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल भी अच्छा करता है और आपके रूम को फ्रेश कर देता है। आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंसेस और मॉस्किटो रेपेलेंस की बजाय आप कपूर पे शिफ्ट होइए, और कपूर में आप भीमसेनी कपूर ज़्यादा यूज़ कीजिए, या फिर जो हवन में कपूर यूज़ होता है मोस्टली भीमसेनी ही यूज़ होता है वो यूज़ कीजिए, और इस तरीके से आपकी जो घर की मॉस्किटो रेपेलेंस की मशीन्स हैं उनको आप कपूरदानी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसा लगा ये आइडिया ज़रूर कमेंट करके बताना, आज की वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताना, और इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, बहुत ही मस्त रील्स स्टोरीज जो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, बट आप देखते नहीं हो क्योंकि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो, ज़रूर जाके चेक करो। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दे दो और चैनल को एक प्यारा सा सब्सक्राइब दे दो, कमेंट करके मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो, आपके कमेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, आपका एक लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है। मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो चैनल को शेयर भी ज़रूर कीजिए अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। नए साल में फुली चार्ज्ड अप हो जाओ, ऑलवेज रिमेंबर यू आर द पावर हाउस ऑफ योर हाउस, और उस पावर को आपने हमेशा बरकरार रखना है, हमेशा चार्ज्ड अप रखना है, और इस नए साल से अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये बना लो कि आपने स्मार्ट बनना है और स्मार्ट तरीके से ही वर्क भी करना है, हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करना है। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखो, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड डिलाइटेड न्यू ईयर।